ओके फाइन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे मॉडुलस इन इक्वेशंस, और क्वेश्चंस करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करें। अरे यार बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखो, दिस मॉड ऑफ एक्स +5 प्लस मॉड ऑफ एक्स +3 प्लस मॉड ऑफ एक्स +2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स -2 प्लस मॉड ऑफ एक्स -3 प्लस मॉड ऑफ एक्स -5। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी आप लिखो इसके अंदर इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन है और आपको वैल्यू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, आप सुनो, देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल साइंस आर इन साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको सारे साइन क्या है यहाँ पे बोलो। पॉजिटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो कितना है बोलो, वन टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे, 7। लाइक ये क्रिटिकल पॉइंट है -5, दिस क्रिटिकल पॉइंट इज -3, दिस क्रिटिकल पॉइंट इज -2, ये क्रिटिकल पॉइंट है 0, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। ठीक है, हाँ हाँ। तो बेटा करना क्या होता है, काफी इजी है ये। इसका जो शेप आएगा ना, इसका शेप आता है कि मिड, जो सबसे मिड में पॉइंट है उस पर वैल्यू आता है मिनिमम, और सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है। लाइक ये है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, इन दोनों से सेम डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स से सेम डिस्टेंस पर है, ये सुनो। तो तुम चेक करोगे 100% इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आने वाला है बोलो। अरे यार बोलो, कुछ तो रिप्लाई करो बेटा, ऐसे नहीं होता है। दिस इज 2, दिस इज -2, लाइक 2 पुट करते हैं या फिर 0 पुट करो, 0 पे कितना वैल्यू आएगा बताओ। 0 +5 5 +3 8 +2 10, और ये भी आएगा -2, मॉड है तो 2, दिस इज -3 मॉड है तो 3, दिस इज -5 मॉड है तो 5, सो 10 +10 कितना हो गया बोलो, 20 20। यानी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 20, 2 और -2 पे चेक करोगे 100% वैल्यू क्या आने वाला है, सेम। उसके बाद फिर आप चेक करोगे किस पे, 3 और -3, ये दोनों भी सेम डिस्टेंस पर हैं, 3 है 3 डिस्टेंस पे और -3 भी कितने डिस्टेंस पे बोलो, 3। ठीक इन दोनों पे भी वैल्यू डेफिनेटली क्या आता है, ठीक सेम। पुट कर सकते हैं हम लोग, तो उससे क्लियर हो जाएगा आप लोग को, सेम ही आ रहा है। ठीक है, फिर 3 के बाद क्या लिखा हुआ है बोलो, 5, डेफिनेटली उस पे वैल्यू भी क्या आएगा, सेम, और थोड़ा सा ग्रेटर स्लोप से आएगा, यानी कि 5 सेम, यहाँ पे भी 5, और फिर ये लाइन इस तरीके से ऊपर। अंडरस्टूड? इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बोलो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर 20। देन इक्वल टू यानी ये एक्सप्रेशन या तो 20 के इक्वल है या फिर 20 से ग्रेटर, तो बेटा करेक्ट पॉइंट है ना ये। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बोलो बेटा, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 20 है ना। 20 हाँ, तो बेसिकली इस इन इक्वेशन का क्या आंसर आ गया, एक्स बिलोंग्स टू, आर आप कोई भी नंबर रखो 100% ये एक्सप्रेशन या तो 20 के इक्वल है या 20 से ग्रेटर है। सपोज करो क्वेश्चन होता है ये इज इक्वल टू 20, तो पूर्वा क्या आंसर आता बोलो, सपोज करो क्वेश्चन है इज इक्वल टू 20, देन आंसर विल बी, बेटा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 20 कहाँ पे आता है, एक्स इज एक्स इक्वल टू, इक्वल टू जीरो हाँ, तब डेफिनेटली वन सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, अभी है क्वेश्चन दिस, और इस क्वेश्चन का आंसर है एक्स बिलोंग्स टू आर। एनी डाउट? नो ठीक है, ये नोट करो।
सर चैतन्य नहीं आएगा, उसको फीवर है तो। हाँ यार चैतन्य का मैसेज आया है मेरे को भी, तो चैतन्य नहीं आएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं उसको। काफी इजी है सब, टेंशन मत लो तुम लोग। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ सर। नोटेड। आपको नोट हो गया? हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू। ये क्वेश्चन ये सॉल्व करो आप। ये सॉल्व सर, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 2 1। अगेन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी एक्चुअली। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? -4 -2 -1 1 2 और 4। आपको टोटल समय समझ में आ रहा होगा। ऑल साइंस है प्लस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1। 100% इन दोनों पे वैल्यू क्या आएगा बोलो? सेम सेम, और सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू। तुम्हें बिलीव नहीं होता है, तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आपको सेम वैल्यू मिलेंगे। फिर ये ग्राफ ऐसे ऊपर। ठीक है, अब ये बताओ 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? फाइव थ्री टू जीरो वन और थ्री। 4 प्लस 2 सिक्स, प्लस 9 प्लस 3 9 एंड 9 प्लस 5 14 14। क्वेश्चन है लेस देन और इक्वल टू 14, यानी इक्वल टू 14 और लेस देन सर 14। तो आप एक बार बताओ, लेस देन 14 पॉसिबल है क्या? नहीं। इक्वल टू 14 पॉसिबल है क्या? हाँ एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। और इस केस में सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट। और बेटे वो सॉल्यूशंस है क्या एक्चुअल में? एक्स बिलोंग्स टू -1 2 वन +1। अंडरस्टूड? हाँ। अच्छा, कोई ये बोलता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी 3। -1 0 एंड हाँ ठीक। हाँ, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफिनिट, 0.2 0.3 0.4 ये सब भी आएगा ना बेटे यहाँ पे? कोई डाउट है बोलो? तो ये नोट करो अभी।
आदित्य एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें अभी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम लोग, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताओ। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4, तो एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बताओ, बोलो। मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, देन कमेंट ऑन एक्स। -4 to 4 100%। तो इसका आंसर आएगा -4 to 4। एक चीज समझने का ट्राई करो, इसे 4 और -4, तो -4 के राइट साइड में कुछ -3.9 आने वाला है, और -3.9 का मॉड कितना होता है 3.9, और 3.9 डेफिनेटली क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 4। अपू क्लियर? हाँ सर। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 यानी एक्स बिलोंग्स टू -4 to +4, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका आंसर बताओ। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, कमेंट ऑन एक्स। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। जैसे 5 के राइट साइड में आने वाला है 5.1, और 5.1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 5 होते हैं। -5 के लेफ्ट साइड में आने वाला है -5.1, और -5.1 का मॉडुलस है 5.1, which is also greater than 5. Any doubt? Okay. ये बताओ इसका क्या आंसर है? Mod of x greater than or equal to 0. X belongs to real number. Any real number, क्योंकि mod squares के जैसे होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। ये बताओ, जीरो। हाँ, मॉड ऑफ एक्स लेस देन जीरो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Next question is this, mod of 3x minus 5 less than equal to 4, ये question आपको finally x determine करना है, करो start करो। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, कोई भी नंबर है उसका मॉड है लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये नंबर लाइक करेगा इन द इंटरवल -4 to, हाँ अभी कितना ऐड करोगे बोलो, ये हो गया 9, दिस इज 3x एंड दिस इज 1, और अभी डिवाइड करोगे कितना 3, पॉजिटिव नंबर है, इन इक्वेशन साइन सेम, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ये आंसर है। ओके ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एक चीज ध्यान रखना, मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ बी माइनस ए सेम ही होता है. तो मोड ऑफ 5 माइनस 4x को यू कैन राइट मोड ऑफ 4x. ये सॉल्व करके बताओ, देखते हैं क्या आंसर आता है. ओके स्टार्ट करते हैं. तो ये हो गया है 4x माइनस 5 मॉडुलस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नेक्स्ट स्टेप बोलो. बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है. इन दोनों को डिफरेंट सॉल्व करोगे और दोनों का क्या फाइंड करोगे बोलो. इंटरसेक्शन. ये हो गया 4x minus 5 less than 4 greater than minus 4 और यहाँ पे mod of 4x minus 5 greater than equal to 2 यानी less than equal to minus 2. और एक काम करो, देखो एक और इजी तरीका बताता हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. आप ये भी कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, काफी इजीली हो जाएगा. क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका बोलो. 5/4. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है. x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है. 5. आपको किस इंटरवल में चाहिए आंसर. 2 2. 4. समझ गए, यानी ये कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ आ गया दिस. और इसकी रिगार्डिंग क्या पता कर लो इनके वैल्यूज. अंडरस्टूड. यानी इस वैल्यू से लेकर के ये वैल्यू तक और दिस वैल्यू से लेकर दिस वैल्यू तक, ये आपके आंसर्स है. एनी डाउट. पता कैसे करोगे, 4x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4 यानी कि 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 4. x इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 कॉमा 1 अपॉन 4. इसका मतलब ये सॉल्यूशन आ रहा है 9 अपॉन 4 और ये सॉल्यूशन कितना आ रहा होगा यहाँ पे 1 अपॉन 4. नेक्स्ट इक्वल करो 2. 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2. सो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 कॉमा 7 बाय 4 3 अपॉन 4 यानी ये है 3 बाय 4 और ये कितना है बोलो. 7 अपॉन 4. हाँ ठीक है. तो तुम खुद बताओ फाइनली आंसर क्या आ गया. x बिलोंग्स टू 1 अपॉन 4 टू 9 अपॉन 1 अपॉन 4 टू
थ्री बाई फोर थ्री अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर टू नाइन अपॉन फोर. अब ये बताओ डार्क स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट. थ्री अपॉन फोर और सेवन अपॉन फोर पे क्या आने वाला है क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे क्या आएगा बोलो ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू टू था, इन दोनों पे इक्वलिटी है और इन दोनों पे क्या आने वाला है बोलो. बोलो सर एनी डाउट. नो सर. चलो ये नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. कभी भी लीनियर होना उसका ग्राफ बना लेना चाहिए बेस्ट रहता है. जैसे ये लीनियर था तो इसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने बेस्ट है. क्वाड्रेटिक वगैरह में ग्राफ बनाना इतना प्रेफरेबल नहीं होता है ठीक है, तो उसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए. आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो. नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे. ये हो गया x square minus 3x plus 8 greater than or equal to 0 and this is x square minus 3x minus 4 less than or equal to 0. आपको इसका बताओ ये क्या आंसर आएगा इसका. शिवा तुम बताओ. आदित्य तुम बताओ इसका क्या आंसर है इस वाले पोर्शन का. सर उसके रूट्स नहीं आएंगे. बेटा याद है तुम्हें बताया था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, इसका ए है पॉजिटिव और इसका डी क्या है नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस फोर एसी. यानी ये एक्सप्रेशन 100% ऑलवेज क्या आने वाला है ग्रेटर देन 0. यानी यहां से क्या आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r. इसके फैक्टर्स कर लो x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो. क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन एंड फोर. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस. इक्वलिटी है डार्क सर्कल लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव पोर्शन. सो x बिलोंग्स टू माइनस वन टू फोर. इसके साथ में क्या कर दोगे अभी इंटरसेक्शन. हाँ तो बताओ बच्चों क्या आंसर इंटरसेक्शन आएगा इसका. माइनस वन टू फोर. माइनस वन टू फोर सिंपल है. बिल्कुल ही सिंपल है. फाइनल आंसर इज माइनस वन टू फोर. क्लियर.
सपोज करो इसके रूट्स आ रहे होते तो इसके इसका हम लोग फिर प्लस माइनस प्लस वगैरह करके इसका सॉल्यूशन पता करते, इसका सॉल्यूशन पता करते और फिर इन दोनों का क्या करते, इंटरसेक्शन। ठीक है, एनी डाउट? ये नोट करो, नोट हो जाए तो बताना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Noted? No, sir. करो बेटा थोड़ा फास्ट नोट करो। Noted? Yes, sir. Done. Next example. Next example is this. 2x minus 5 modulus minus 4 modulus less than equal to 2. ये question है. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ही हो गया है। करो चलो एक बार देखते क्या करते हैं। फाइनल आंसर आ जाए तो बताना मेरे को, चेक करते हैं। तो अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप -1/2 to 3/2 7/2 to 11/2। ओके, सो ये आएगा -2 और ये हो गया +2। ठीक है,
और अभी यहाँ पे ऐड करोगे आप 4, तो ये हो गया है 6 और ये हो गया 2। ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। सॉल्व 5/2 x is equal to 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 5, ठीक है। और आपको चाहिए किस इंटरवल में 2 to 6, तो इसका मतलब ये ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ है, ठीक है। ये वैल्यूज पता कर लो अभी कि आ रहे हैं कितना हो जाएगा अपना काम। 2x-5 = 6, -6, 2x = 11, -1, तो ये आ रहा 11/2, और ये कितना है बोलो -1/2। 2x-5 = 2, -2, 2x = 7, 3, x = 7/2, 3/2। आदित, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर। So x belongs to finally -1/2 to 3/2, 7/2 to 11/2, 3/2 union 7/2 to 11/2. 100% answer है correct. Any doubt? No sir. Okay, next question पे आते हैं। Next example अभी आप ये लिखो। Sir. हाँ बोलो बेटा, क्या doubt है बताओ? सर वो ऊपर के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करो ना, मतलब वो कैसे है? कौन सा पार्ट? ग्राफ ड्रॉ क्या है? ग्राफ ड्रॉ किया है, फिर ये किस रीजन में आना चाहिए? 2 to 6 में आना चाहिए। 0 पे वैल्यू आ रही है इसकी 5, तो 2 to 6 मतलब इस तरीके से। 2 पे कब, 2 का वहां पे आ रहा है, तो 2x-5 mod = 2, यानी कि 2, -2, तो 2x = 7, 3, x = 7/2, यानी कि 3.5, 3/2, यानी कि 1.5, तो ये वैल्यूज आ गए आपके। ऐसे एक और 6 के इक्वल करा तो 6 और -6, ये वैल्यूज आ गए। अभी जो आपको ग्राफ रिक्वायर्ड है वो है 2 to 6 वाला ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, समझे? हाँ सर। लेकिन आपको बताने हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, तो x आ गया है इस ग्राफ के कोरेस्पोंडिंग -1/2 to 3/2 यूनियन 7/2 to 11/2। हाँ, अंडरस्टूड? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट है, क्या हो सकता है तुम ही लोग बताओ, देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x+1/(x-2)2। अच्छा, एक चीज ये कंफर्म है कि मॉड ऑफ ए अपॉन बी को आप लिख सकते हो मॉड ए अपॉन मॉड बी। आदित्य, क्या करना चाहिए बताओ आगे, बोलो। अच्छा, इन इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड होता है क्या? लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया मॉड ऑफ 2x+1 > 2 times मॉड ऑफ x-2। अब ये बताओ ये साइड क्या है? पॉजिटिव। और ये साइड भी क्या है? पॉजिटिव। याद है इरेशनल इक्वेशन बताया था कि दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप इस पर कर सकते हो। इन इक्वेशन साइन चेंज होता है क्या? नहीं। बोथ साइड नेगेटिव है तो भी इस पर कर सकते हो। इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। और एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, तो हम लोग केसेस बनाते हैं। याद है रैशनल इक्वेशन में मेजर इक्वेशन बनता था, फिर दो केस आते थे, फिर उनको सॉल्व करते थे, है ना? हाँ, स्क्वायर करो एक पॉइंट, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2x+1 whole square > 4 times x-2। ये हो जाएगा 4x² + 2ab + 4x + 1 > 4x² इधर से आएगा -4x * 4 यानी कि -16x, 4 * 4 कितना हो गया बोलो? 16।
ये हो गया अभी 20x greater than 15। सो एक्स ग्रेटर देन 3/4। ये करेक्ट आंसर है या कुछ और लिखना चाहिए यहां पे बताओ। ये आंसर सफिशियंट है या इसमें कुछ और भी करेक्शन होगा? बोलो। बताओ भाई। देखते कौन बताता है किस आंसर में और क्या करेक्शन करना चाहिए। इस आंसर में क्या नहीं आ सकता बोलो। टू टू यूज नहीं कर सकते क्योंकि टू पे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? हाँ सर टू जीरो। तो ध्यान जीरो रखना, हो जाएगा। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जब भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी केयरफुल। और केयरफुल क्या रहना है हम लोगों को कि जैसे ही वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। सपोज करो पूर्व क्वेश्चन ये होता, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता इस जगह पे, तब एक्स इज नॉट इक्वल टू टू लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। लेकिन क्वेश्चन बेटा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, और हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। क्या मैटर करता है? स्टार्टिंग क्वेश्चन। हाँ ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Any doubt? तो यार ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था कि इन इक्वेशन में मॉडुलस, इन इक्वेशन में सपोज करो दोनों साइड में मॉडुलस है, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो उसका बोलो, स्क्वायर। इन इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, इन इक्वेशन साइन चेंज ही होता है उसमें ना। ठीक है नोटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो।
ये सब मॉडुलस इन इक्वेशंस है। सर एक्स बिलोंग्स टू फाइव है क्या? एक्स बिलोंग्स टू फाइव? नहीं बेटे, सर फर्स्ट स्टेप बोलो। फर्स्ट स्टेप बोलो। मॉड टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर बेटे। हाँ, यानी कि टू ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। साइड में क्या लिखोगे? एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर। तो बेसिकली ये हो गया अभी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन यानी एक्स माइनस फोर माइनस टू टू टू। कितना ऐड करोगे? फोर, यानी कि सिक्स। फोर ऐड करो कितना आ गया? टू। सो क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू टू टू, सिक्स। और इसमें से क्या माइनस करना है आपको? फोर। समझ गए? पर स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? कर दो, स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर करो तो भी सेम आंसर आएगा। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, तो भी सेम ही आंसर आएगा। और x माइनस फोर होल स्क्वायर लेस देन फोर, तो x स्क्वायर माइनस एट एक्स, सिक्सटीन माइनस फोर इज ट्वेल्व लेस देन जीरो। x माइनस टू इंटू x माइनस सिक्स लेस देन जीरो। फैक्टर से मिस्टेक हुआ बेटे आपसे, समझ गए? हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अभी आप शीट पूरा सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस नाइन अपॉन मॉड ऑफ एक्स लेस देन जीरो। ये सॉल्व करो। चिट तुम बोलो क्या करना चाहिए इसमें, बताओ। शिवो बोलो। अब तुम बताओ। सर इसमें दोनों पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? बेटा नहीं है, इसका डी पॉजिटिव आएगा, डी नेगेटिव थोड़ी आएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो मॉड ऑफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ये इसमें कोई डाउट है? लेस देन क्या आ गया? जी। लेकिन एक्स इज नॉट इक्वल टू
इसकी वजह से, ठीक है। और अब ये हो गया x माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो प्लस माइनस प्लस होलो सर्कल लेस देन जीरो नेगेटिव पोर्शन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू नाइन और इसमें से क्या रिमूव कर दोगे, जीरो। नहीं आ रहा है क्या समझ में आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू? नहीं यार ठीक से करो, इसका डी नेगेटिव है बेटे ऊपर वाले का। एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन माइनस वन नॉट इक्वल टू माइनस वन बचा है क्वेश्चन ये। यहाँ पे पॉजिटिव डी नेगेटिव आंसर है एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें से क्या माइनस करोगे? माइनस वन। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन लेस देन जीरो। ये क्वेश्चन अब यार ये मत बोलना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ? अच्छा मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता भाई, है तो यहाँ पे क्या करो, डिफरेंट केसेस बना लो मॉड को ओपन करने के लिए। जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मॉड को बाय डेफिनेशन ओपन करते हैं। आपको क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका बेटे? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है बोलो? एक्स इज इक्वल टू अरे इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट तो जीरो ही है ना, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मॉड ऑफ एक्स एज इट इज ओपन और एक्स लेस देन जीरो मॉड ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया अभी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस सेवन लेस देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स टू थ्री एंड सेवन। होलो सर्कल लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव पोर्शन, बट केस मस्ट बी फॉलो, केस मस्ट बी फॉलो। प्रथम क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? क्या सर? क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? माइनस इनफिनिटी टू टू। बेटा इंटरसेक्शन 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 कॉमन पार्ट जीरो टू कुछ नहीं कुछ हाँ जीरो टू टू यूनियन थ्री टू सेवन। नहीं समझे? समझा सर। सेकंड केस x लेस देन जीरो, अभी मॉड ऑफ x को लिखोगे माइनस x, तो ये क्वेश्चन बन गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस x माइनस सेवन लेस देन जीरो। अब पूरा क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ बेटे। टू थ्री और माइनस सेवन। चलो साइन कन्वेंशन
माइनस कॉस माइनस होलो सर्कल लेस देन जीरो एनी नेगेटिव पोर्शन और इसका इंटरसेक्शन करोगे विद लेस देन जीरो क्या इंटरसेक्शन आ गया माइनस सेवन टू माइनस सेवेंटी जीरो हाँ और इन दोनों का क्या करोगे फाइनली यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंट केसेस का ऑलवेज क्या करते हैं यूनियन अब आपको बताओ क्या आंसर आ गया फाइनली इनका यूनियन करो ठीक से क्या आएगा तुम बताओ माइनस सेवन टू टू यूनियन थ्री टू सेवन अंडरस्टूड हाँ क्योंकि जीरो यहां पे यूज हो गया ना तो ये मिक्स हो गया एक्चुअली दोनों ठीक है ये नोट करो Any doubt? बोलो तो जब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह वर्क नहीं करती है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग मॉड को डेफिनेशन ओपन करते हैं बाय डेफिनेशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी हाँ सर चलो काफी सिंपल पॉइंट है थोड़ा न्यू पॉइंट है ये भी इन इक्वेशन से ही रिलेटेड है स्टार्ट करते हैं कि 30 के बाद में 22 कैसे आ सकते हैं ओके काफी सिंपल पॉइंट है समझने का ट्राई करना देखो सुनो mod of a plus mod of b mod of a plus mod of b mod of a minus mod of b का modulus और mod of a minus mod of b का modulus ठीक है तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी लाइक mod of a b इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो mod a into mod b लेकिन कहीं पे mod of a plus b लिखा हुआ है ना तो आप इसको mod a plus mod b नहीं लिख सकते यार हमेशा मतलब केवल कभी कभार ही लिख सकते हो इसका रीजन क्या है सपोज करो आप पुट करते हो a is equal to 2 और b is equal to minus 3 आपको ये कितना आएगा बोलो बेटे माइनस वन और माइनस वन का मॉड कितना होता है 1 जबकि राइट साइड में कितना आने वाला है बोलो राइट साइड में कितना आने वाला है आदित्य तुम बताओ नहीं पढ़ना है तो बताओ बाद में करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है
बाद में करना है क्या? नहीं सर। बेटा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर बताओ, राइट साइड में कितना आने वाला है? हाँ, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इनको ओपन करना सीख रहे हैं कि यार ये लोग कब ओपन होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, मॉड ए प्लस मॉड बी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी, और ये पोर्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी। कैसे आ रहा है, सब समझ में आएगा? ध्यान रखना, समेशन है ग्रेटर और ये डिफरेंस है, ये क्या होता है बेटे? अरे बोलो, स्मॉलर। देखो इसका रीजन क्या है ना, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सपोज करो आपने एक नंबर रखा पॉजिटिव और सेकेंड नंबर रखा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? अरे कुछ तो बोलो यार, ऐसे नहीं होता। ठीक चलो फिर बेटे बाद में करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट बाद में बताता हूँ, या फिर तुम लोग एक्टिव हो तो बताओ, अभी कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। करते हैं सर। करते ठीक है, तो फिर रिप्लाई करो यार, ना ऐसा मत करो। हैं सर। हाँ तो रिप्लाई करो ठीक से, ऐसा मत करो, चुप मत बैठे रहो कैमरा बंद माइक ऑफ करके। तो ये पॉइंट है मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉडुलस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, है ना? तो मॉड ए प्लस मॉड बी, ये पोर्शन हमेशा क्या होता है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सपोज करो आप ए और बी डिफरेंट साइन वाले नंबर्स पुट करते हो, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डिफरेंस। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो हाँ ये सर। स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स का, और यहाँ पे डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, ए और बी के सेम। सेम। ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिफरेंस है, दिख रहा है? ये डिफरेंस है, तो हाँ हाँ डिफरेंस हमेशा कम आने वाला है, ये भी डिफरेंस है, ये हमेशा कम आने वाला है। अब अपना दिमाग लगा के बताओ थोड़ा सा कि ये कब पॉसिबल है, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, बताओ। ए और बी इक्वल है, नहीं, ए और बी के साइन क्या होने चाहिए सेम माइनस भाई? तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, -2 -5 कितना होता है? -7 -7। एडिशन ही हुआ है ना बेसिकली, हाँ सर। लेकिन साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव को तो ये मोड क्या बना देगा? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम सेम साइन। साइन। या इनमें से कोई भी एक जीरो, और क्या पॉसिबिलिटी है? जीरो कोई कोई भी, भी एक जीरो। कोई भी एक जीरो, क्योंकि मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी, सपोज करो जीरो रखते हो तो तुम लिख सकते हो ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। जीरो। ये समझ आया? हाँ दोनों सर। पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे मॉड ऑफ ए बी, ये तुम हमेशा लिख सकते हो मॉड इनटू मॉड बी, लेकिन मॉड ऑफ ए प्लस बी को तुम्हें मॉड ए प्लस मॉड बी लिखना है, तभी पॉसिबल है व्हेन ए इनटू बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। जीरो। अब यहाँ पे बताओ ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको डिफरेंस है, ये इज इक्वल टू दिस करना है मेरे को, ये कब पॉसिबल है? लेफ्ट साइड में तो 100% डिफरेंस है क्योंकि पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, यानी राइट साइड में भी डिफरेंस बनना चाहिए, और यहां पे डिफरेंस के लिए ए और बी का साइन पॉजिटिव। सेम। हाँ सेम। सेम। तुम डिफरेंट साइन नहीं रख सकते, तुम ये नहीं कर सकते कि ए को पॉजिटिव रखा बी को नेगेटिव रखा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा फिर। हाँ सर। या फिर ये कर सकते हो कि ए को रखो -2 और बी को फिर सेम साइन में कुछ -4 रख दो,
तो ये हो गया माइनस टू माइनस ऑफ माइनस फोर, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। यानी बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब सेम साइन होता है ना प्लस, यहाँ पे भी प्लस तो ए और बी के साइन भी सेम, ये माइनस तो भी ए और बी के साइन सेम सेम। अब ये बताओ, ये नोट बाद में कर लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर। ये बताओ अभी, मॉड ए प्लस मॉड बी यानी एडिशन है, और राइट साइड में भी एडिशन बनना चाहिए, कब बनेगा एडिशन? दोनों के साइन डिफरेंट हो। 100% ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। ये बताओ यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस बनना चाहिए, डिफरेंस कब बनेगा? डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, तो डिफरेंट साइन में डिफरेंट, यानी ए एंड बी शुड बी ऑफ डिफरेंट साइन, या फिर ए को तो जीरो, यानी ए इनटू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ये समझ लो, देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी ये हमेशा समेशन, देखो समेशन तो बड़ा होता ही है यार, वो फिक्स है, दोनों में समेशन हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है, डिफरेंस हमेशा कम या फिर इक्वल। इक्वल वाली कंडीशंस ये हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी कंडीशंस। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी, इक्वलिटी कंडीशन। कितना गंदा लग रहा है ना ये अलग अलग लिखने में सारा। इक्वलिटी कंडीशंस, अभी एक पॉइंट ये, मॉड ऑफ ए प्लस बी ये हमेशा समेशन से क्या होगा कम, और डिफरेंस से क्या होता है? अच्छा ये मत सोचना यार ये समेशन है ना, ये समेशन नहीं है, ये तो ए और बी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। भाई सपोज करो आपने ए पॉजिटिव रखा और बी नेगेटिव रखा, तो ये क्या समेशन है क्या? नहीं। हाँ लेकिन ये कंफर्म है कि ये 100% क्या है समेशन, और ये 100% क्या है डिफरेंस। हाँ डिफरेंस, तो समेशन हमेशा होता है बड़ा, डिफरेंस हमेशा क्या होता है छोटा कम। एनी डाउट? नो सर। नो सर। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आप लोग जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस फोर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हमें पेयर्स ऑब्जर्व करने होते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे बताओ, मॉड ए प्लस मॉड बी ये क्या फिट हो रहा है, ये ए प्लस बी फिट हो रहा है या ए माइनस बी फिट हो रहा है? बोलो ए प्लस बी। हाँ इसमें कोई डाउट नहीं सर। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू, तो यहां पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे नहीं, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू इक्वल टू हाँ वही ए प्लस बी। इसमें कोई डाउट नहीं सर। और ये इक्वल कब आता है, When a plus b greater than zero, a into b greater than zero, बहुत इजी है इसको लर्न करना। सेम साइन है तो सेम greater than equal to zero, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस greater than equal to zero, माइनस माइनस greater than equal to zero, different साइन है तो different signs, a और b के यानी कि less than equal to zero, समझ गए? What is a? x square minus 7x plus 6. What is b? x square minus 3x plus 2. greater than or equal to zero, zero. ये हो गया x minus one into x minus six. और ये हो गया x minus one into x minus two. greater than or equal to zero, zero.
ये हो गया अभी x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस टू, x माइनस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। हाँ, साइड में कुछ लिखना होता है क्या, x इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वलिटी है। हाँ सर, नहीं होता तो क्या लिखते हैं, x इज नॉट इक्वल टू, हाँ रिमेनिंग है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। काम करते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज करते हैं तो ये ठीक रहेगा क्वेश्चन। एक काम करो, थोड़ा चेंज कर दो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं। अभी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बोलो, मॉड ए माइनस मॉड बी इज देन इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये यस और नो, और एक्चुअल में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, लेस देन और इक्वल होना चाहिए ना, इन एक्चुअल लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्चुअल में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, दिस, यस और नो, यस सर, a b less than equal to 0, a into b less than or equal to 0, यहाँ पे भी क्या आ गया, less than or equal to, ये भी क्या आ गया, less than or equal to, less than or equal, ये भी क्या आ गया, less than or equal, और ये भी क्या आ गया, less than or equal, 2 and 6 sign convention, plus minus plus, negative portion, तो क्या आंसर आएगा, x belongs, x belongs to 2 to 6, 2 to 6, union One. So question is how many integral values of x satisfying given in given in equation? कितने integral satisfying? 1, 2, 3, 4, 5, 6. काफी लोग तो ये समझ ही नहीं पाते हैं, जो लोग समझते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो लोग x is equal to 1 को लिखना भूल जाते हैं, तो उनका आंसर कितना आता है फिर, 5, कितना आता है, 5. एक चीज ध्यान रखना, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है x square plus 3x plus 4 का मॉडुलस, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x square plus 3x plus 4, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और इसका d क्या है, नेगेटिव, यानी ये लोग ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप बताओ, एनी डाउट, तो ध्यान रखना ऐसे पेयर्स बनते हैं, पता होना चाहिए आपको, ये चेक करना होता है कि यार ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी है या a माइनस बी है। सपोज करो क्वेश्चन में राइट साइड में ये लिखा होता है, जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, mod of x plus mod of x upon x minus 1 ठीक है, क्वेश्चन होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो सपोज करो ये है मॉड ए प्लस मॉड बी, अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, बताओ ये a प्लस बी है a माइनस बी है, तो या कुछ भी नहीं है, ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो, सर कुछ भी नहीं, ये a माइनस बी एक्चुअल में, देखो एलसीएम x प्लस वन और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स, समझ गए बेटा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होते हैं, सेम, तो ये एक्चुअल में क्या है,
मोड ऑफ ए माइनस बी। हाँ आप ये बताओ एक्चुअल में क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल। हाँ तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आ गया? इक्वल टू। और ये कब पॉसिबल है? a माइनस बी ग्रेटर a इनटू b इज लेस देन इक्वल। a है x, b है दिस, लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो जीरो। ये हटा दो, साइड में क्या लिखोगे? x शुड बी इक्वल टू जीरो, वन अपॉन x प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन, होलो सर्कल क्योंकि डिनोमिनेटर में है नेगेटिव पोर्शन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन जीरो। समझ गए अप्पू? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन, मॉडुलस कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, काफी ज्यादा क्लासिक है, मजा जाएगा तुम लोगों को पढ़ के। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके हाँ, तो मैं कर रहा था नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये लें, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। बताओ क्या गिवन है आपको? मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन ए मॉड ऑफ ए माइनस बी। हाँ और एक्चुअल में क्या होता है? मॉड ए प्लस ग्रेटर देन और इक्वल। सपोज करो क्वेश्चन होता ही है तो आपको यही गिवन होता है और यही एक्चुअल में होता है, ये सुनो। हाँ सर। तो क्या आंसर आता फिर? x belongs to एल नंबर, कुछ भी रख दो, ये तो 100% करेक्ट है। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये बनाए ना, इनमें कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना। इनके अकॉर्डिंग तो a कॉमा b क्या है? एल नंबर। हाँ कंडीशंस यहाँ पे आती है इक्वलिटी कंडीशंस में। अब तुम खुद बताओ, सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, तो इसमें क्या होता बताओ? बोलो, ये तो कंफर्म है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, आगे बताओ। अभी आंसर आता x belongs to R माइनस, कौन से केसेस हटाने पड़ते हैं हम लोगों को? वी हैव टू रिमूव इक्वेलिटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ गए? हाँ सर। तो आप ये रिमूव करोगे। अच्छा लेस देन होता तो कोई आंसर आता क्या? नहीं सर, तब तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली आपको जस्ट ये इक्वलिटी वाली कंडीशन हटानी है। और इक्वलिटी कब आता है? व्हेन ए बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ए बी का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो जीरो, यानी कि टू सिक्स प्लस माइनस प्लस, ये हटा दो, साइड में लिख दो वन और ये सब। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, अच्छा ये क्या आ गया है? एक्स बिलोंग्स टू 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 सिक्स यूनियन वन। फाइनल आंसर क्या है? R माइनस टू टू सिक्स यूनियन वन।
टू टू सिक्स यूनियन वन, ये सब हटेगा यहां से, समझ गए? हाँ सर करेक्ट है। एनी डाउट? नहीं सर। तो मॉड्यूल इज कंप्लीट, आप शीट पूरी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। हाँ मतलब वो सिर्फ वी और ए वाला हो। नहीं, हम लोग काफी ज्यादा लेवल तक पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेवल तक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लॉग वगैरह सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर। फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। 11 तक जितने भी चैप्टर्स होते हैं, हर किसी चैप्टर का तुम्हारा थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया है। ओके, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा मैथ्स का, उसमें मॉड्यूलस पूरा आएगा कंप्लीट अच्छे से। इसके अलावा डिफरेंशिएशन जितना पढ़ेंगे हम लोग वो भी आएगा। ओके सर, आप ये पूरे नोट्स का एक बार पीडीएफ भेजो ना। अभी भेज देता हूँ, अभी के अभी भेज दो तुम्हारे सामने, तो बोलो तुम तो। अभी भी भेज दो। अभी भेजता हूँ, 5 मिनट के अंदर भेजता हूँ, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये एक्सपोर्ट हो गया है, ये मेरे अभी डेस्कटॉप पे आ जाएगा, फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके हाँ सर। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। शीट में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। कंप्लीट कर लो, डाउट है तो डिस्कस करेंगे। उसमें इरेशनल इक्वेशंस भी हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो वो भी सॉल्व कर लेना, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके हाँ सर। चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। ओके बाय बाय।